नमस्कार, कल की तैयारी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत बांडे। कैसा शो जो है, आप दर्शकों का शो, आप आम निवेशकों का शो, जहां इस शो का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके सवालों, आपके शंकाओं के समाधान के तौर पर हम लेते हैं। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ते हैं, जो आपके सवालों पर देते हैं भरोसेमंद सलाह। इसके अलावा हम आज के बाजार को पूरी तरह से उसका ब्यौरा आपके सामने रखते हैं, और आज के बाजार के हिसाब से कल की आपकी विशेष तैयारी कराते हैं। आगे मार्केट किस तरह का रहने वाला है, इस पर एक्सपर्ट की कमेंट्री भी होती है। कमाई का वीआईपी सेगमेंट होता है और भी बहुत कुछ। लेकिन आज के शो में आपको जुड़ना है तो करना क्या है, जरा आपको हम बता दें। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपके स्क्रीन पर ये जो व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपके सवाल आते हैं, वो आप इस पे भेज सकते हैं। और जब भी आप सवाल भेजिए तो याद रखिए, अपना और अपने शहर का नाम लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसे ही अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर जाइए, फेसबुक और ट्विटर पर जाकर आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। किस तरह से, तो #KKT यानी कल की तैयारी, स्पेस अपना सवाल, और सवाल के साथ अपना और अपने शहर का नाम जरूर यहां पर मेंशन करें। और आज के शो में आपकी विशेष तैयारी कराने के लिए दो दिग्गज एक्सपर्ट हमने रखे। दो दिग्गज एक्सपर्ट्स का परिचय आपसे करा दूं। हमारे साथ प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर साहब हैं, और जैनम ब्रोकिंग लिमिटेड के किरण जानी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और चलिए सबसे पहले बाजार पर एक निगाह डाल लेते हैं। आज का बाजार किस तरह का रहा, तो जो दो दिनों के का दबाव था उसे आज ब्रेक किया बाजार ने, और मार्केट में एक तरह की हरियाली नजर आई। निफ्टी 18,601 के ऊपर जो है वो ट्रेड करता नजर आया। बात करें अगर हम निफ्टी की, तो दो दिनों का जो एक तरह का प्रेशर था उसे तोड़ा। निफ्टी बैंक 43,944 पर बंद हुआ, और निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 45 अंक की गिरावट यहाँ पर नजर आई। हालांकि तेजी वाले जो शेयर रहे वो रहे BPCL, HCL Tech, इंफोसिस, NTPC, यहाँ 1.5 से 1.25% तक की तेजी नजर आई। इसके अलावा कमजोरी निफ्टी में कहाँ कहाँ नजर आई, तो मारुति सुजुकी, पावर ग्रिड, सिप्ला और टीटागढ़ वैगन्स यहाँ पर लगभग 0.5% से लेकर 2-3% तक की कमजोरी नजर आई। अब निफ्टी बैंक में तेजी वाले स्टॉक्स रहे IDFC फर्स्ट बैंक, PNB, कोटक बैंक और बंधन बैंक, और यहां पर जो निफ्टी बैंक में तेजी नजर आई। प्रेशर कहां रहा, HDFC बैंक, ICICI बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस और SBI में आज दबाव नजर आया निफ्टी बैंक के ये स्टॉक्स। तेजी वाले सेक्टर निफ्टी ऑटो, IT, जैसा कि हमने बताया भी IT में आज कह सकते हैं आज IT का दिन था, निफ्टी मेटल और निफ्टी PSU बैंक आज यहां पर हरियाली नजर आई। अब कमजोरी वाले सेक्टर निफ्टी बैंक और निफ्टी फार्मर है, जहां पर हमने हल्का दबाव साफ तौर पर महसूस किया। 52 वीक्स हाई जिन स्टॉक्स ने बनाया वो रहे AB कैपिटल, अपोलो टायर्स और डेल्टा कॉर्प, जिन्होंने 52 वीक हाई को छुआ। इसके अलावा सेंट्रम इलेक्ट्रॉनिक्स ने भी 52 वीक्स हाई को टच किया। अविनाश जी और किरण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। अविनाश सर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा, बताएं बाजार को जो है वो हम देख रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते में भी हमने देखा कि जो वॉलेटिलिटी भी है वो बहुत ज़्यादा डेंट नहीं कर रही है, एक प्रेशर से बार बार निकलने की कोशिश बाजार की, एक लेवल जो है वो बार बार जो है वो ब्रेक करने की तैयारी में बाजार नजर आ रहा है। नहीं बिल्कुल प्रशांत, देखिए वोलेटिलिटी का भले ही ज्यादा हो लेकिन ये बाजार में हमने देखा है कि बहुत मैक्रो नंबर्स एज वेल एज जो कंपनी स्पेसिफिक डेटा पॉइंट्स है वो बहुत ही बढ़िया है। इनफैक्ट आज मैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बाइंग देख रहा था, 1700 करोड़ की बाइंग हो गई है, बहुत ही बड़ा नंबर है। और दूसरी बात, आज CPI का और उसके बाद IIP नंबर के आंकड़े आ गए, बहुत ही मजबूत नंबर आ गए। मेरे ख्याल से कल बाजार में आपको एक अच्छी तेजी सारे इकोनॉमी रिलेटेड स्टॉक्स में देखने को मिलेगी, क्योंकि ये उम्मीद से काफी बेहतर है। IIP आंकड़ा भी बहुत स्ट्रांग है, CPI का नंबर भी उम्मीद से काफी कम आ चुका है, तो इसका मतलब क्लियर है कि मार्केट्स उम्मीद लगा रहे हैं कि अगर इस साल का मानसून भी ठीक ठाक रहता है तो इन्फ्लेशन जो काफी चढ़ा हुआ था वहां पे थोड़ी सी मॉडरेशन आएगी, और इन्फ्लेशन अगर पीक आउट होता है
तो हम सभी जानते हैं कि मार्केट्स को ये बात काफी पसंद आएगी। तो मेरे ख्याल से देखिए क्लियरली सेकंड हाफ ऑफ एफआई 23-24 में मुझे लग रहा है कि शायद और थोड़ी तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन अभी भी जो माहौल है वो मेरे ख्याल से बाय ऑन डिक्लाइन का ही माहौल है। अच्छे कंपनीज आपको निचले लेवल पर अगर मिलते हैं तो इनको एक्युमुलेट करना चाहिए। नतीजों का सीजन भी खत्म हो चुका है, काफी अच्छे नतीजे कंपनीज ने डिक्लेयर किए हैं, कॉमेंट्रीज भी अच्छी है। तो नेट नेट मुझे लग रहा है ये बाय ऑन डिक्लाइन वाला मार्केट है। इंडेक्स थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, लेकिन क्लियरली हमको लग रहा है ये ऊपर लेवल कहीं ना कहीं मार्केट दिखाने का सक्षम रखता है। तो डेफिनेटली आई थिंक इन्वेस्टर शुड यूज दिस अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए यही वजह है कि मार्केट को रीड कैसे किया जाए, क्या क्या वो फैक्टर्स हैं, कौन कौन से पहलू हैं जो एक बाजार को ट्रिगर देते हैं, बाजार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बहुत बेहतर तरीके से अविनाश सर ने आपके सामने रखा। किरण जी, आपका नजरिया क्या कहता है, कहाँ नजर रखनी चाहिए, किन लेवल्स पर जो है वो आपका आपकी नजर बनी हुई है? गुड इवनिंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर आप मार्केट का टेक्निकल सेटअप करोगे तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेटअप है। जिस तरह से कैप निफ्टी स्मॉल कैप मार्केट में परफॉर्मेंस दे रहे, डेफिनेटली निफ्टी जिस तरह से अंडर परफॉर्म कर रहा है, वी आर कॉलिंग न्यू हाई फॉर श्योर। जिस तरह से बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं कि एक डिवाइडेड परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है, कि जहाँ पे प्राइवेट बैंक्स के अंदर एक परफॉर्मेंस आया था लेकिन वो भी पॉज हो गया है कहीं ना कहीं। और आज पीएसयू में भी हमने देखा कि मार्केट को कोई सपोर्ट नहीं था, लेकिन जिस तरह से उसने 44,000 को होल्ड रख के रखा है जहाँ पे 20 डेज मूविंग एवरेज भी है। साथ ही साथ आप देखोगे तो जो लोअर टाइम फ्रेम है 15 मिनट चार्ट है, तो 5 मिनट चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस अब प्लॉट होना स्टार्ट हो गए। तो जब तक 43,700 ये लेवल नहीं टूटता है तब तक वी वुड लाइक टू गो बाय ऑन डिप्स। आप कोई भी डिप आता है हम लॉन्ग करके जाएंगे, 43,500 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। कहीं ना कहीं इनिशियल 44,500 का लेवल देख रहे हो, जैसे ही वो लेवल क्रॉस होगा देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम 44,800 तक के लेवल बैंक निफ्टी में देख सके। सो बैंक निफ्टी करंट मार्केट प्राइस या कोई भी डिप आता है लॉन्ग करके जाएंगे, 44,500 का हमारा टारगेट रहेगा। निफ्टी की अगर हम बात करें तो 18,600 के ऊपर टग ऑफ हो रहा है, लेकिन आज एक अनयूजुअल चीजें जो हुई है मैं आपके साथ शेयर तो वी कैन गो एग्रेसिवली लॉन्ग ऑन निफ्टी। ओवरऑल स्टॉप लॉस 18,500 के नीचे आप मेंटेन कीजिए, और ऊपर में पहला टारगेट हमारा रहेगा 18,700, और 18,700 के बाद हम 18,800 तक के लेवल भी देख सकते हैं। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। वी आर एक्सपेक्टिंग हायर लेवल, लाइक रिपीट करूं तो मैं निफ्टी के अंदर 18,700 तक के, और बैंक निफ्टी में 44,500 से 44,800। बिल्कुल, तो इन लेवल्स पर नजर रखिए। और चलिए, जैसा कि मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि ये शो यानी कल की तैयारी, हमेशा याद रखिए ये आपका शो है, आप जो दर्शक हैं, आप जो आम इन्वेस्टर्स हैं उनका शो है। कोशिश यही रहती है कि हम फटाफट से जितने ज़्यादा सवाल ले सकते हूँ आपके, जितनी ज़्यादा आपकी शंकाओं का समाधान इस शो पर दे सकते हैं वो कोशिश रहती है। लेकिन कितनी भी कोशिश की जाए, आप दर्शकों का, आप इन्वेस्टर्स का प्यार ऐसा है कि बहुत ही बड़े पैमाने पर हमको आपकी क्वेरीज आती हैं और उनमें से हम कोशिश करते हैं कि बड़ा हिस्सा रखें, लेकिन कई बार जो है वो सवाल छूट जाते हैं, हम उन्हें कैरी फॉरवर्ड करते हैं, आगे के शो में रखते हैं। तो धैर्य रखिए, आपका सवाल आज अगर नहीं लिया गया तो कल हम ज़रूर अपने शो में शामिल करेंगे। और माफ़ी चाहते हैं क्योंकि समय सीमा में बंधा होता है शो, और समय सीमा में ही हमको आपकी शंकाओं का समाधान करना है। तो चलिए बिना देरी के बढ़ते हैं आगे। SP सिंह हैं पटना से, और इनका सवाल है गोदरेज कंज्यूमर, 100 शेयर इनके पास हैं, 950 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है, होल्ड करें या फिर सेल करें, ये सवाल है इनका। अविनाश सर बताएं क्या राय होगी इनको? प्रशांत, मुझे लग रहा है कि गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इन्होंने काफी अच्छे प्राइस पे खरीदा है। मेरे ख्याल से इस साल होपफुली रूरल मार्केट से डिमांड अच्छी आती है और कमोडिटी प्राइसेस तो वैसे भी गिरे हैं, तो इसको डेफिनेटली गोदरेज कंज्यूमर को काफी फायदा होना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर इनका नजरिया 6 से 12 महीने का है तो FMCG में काफी वेल पोजिशनड प्लेयर है, अच्छे मार्जिन वॉल्यूम ग्रोथ होने की अपेक्षा है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है, तो होल्ड करने की राय। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको होल्ड करने की सलाह मिलती हुई। बढ़ते आगे, देवेंद्र हैं इंदौर मध्य प्रदेश से, और इनका सवाल है टॉरेंट पावर के 30 शेयर इनके पास हैं, 707 के लेवल पर, 707 के लेवल पर इन्होंने लिया है, होल्ड करें या फिर सेल करें, पूछ रहे हैं। किरण जी बताएं क्या होगी इनको एडवाइस? टॉरेंट पावर की अगर हम बात करें तो एक मेजर ब्रेकआउट हमने कहीं ना कहीं 580 लेवल के आसपास देखा था,
उसके बाद लास्ट 2 दिन से हम देख रहे हैं कि काउंटर में एक बॉस आ चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ब्रेकआउट है वो वापस प्ले आउट हो सकता है। मेरे हिसाब से उनको जो पोजीशन है वो होल्ड रखनी चाहिए, 650 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है, लेकिन ओवरऑल एक अच्छा पोजीशन इसमें बन चुका है और एक अपसाइड देख चुके हैं हम। तो थोड़ा टाइम दीजिए आप, 650 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, कहीं ना कहीं ये स्टॉक वापस ऊपर में 720 से 740 तक जा सकता है। तो मेरे हिसाब से 650 के स्टॉप लॉस के साथ टोरेंट पावर होल्ड रख सकता है। तो 650 के स्टॉप लॉस के साथ तो यहां पर टॉरेंट पावर में बने रहने की सलाह। दिशा जैन है आगरा से और इनका सवाल है, ओरिएंट सीमेंट के 5000 शेयर इन्होंने लिए हैं, 133 रुपए के भाव पे इन्होंने लिया है, 133, होल्ड करें या फिर सेल करें पूछ रही हैं। अविनाश जी बताएं। इनफैक्ट प्रशांत, मुझे लग रहा है ओरिएंट सीमेंट बहुत ही बेहतरीन विकल्प है, और अगर इनका नजरिया कम से कम 12-15 महीना है तो देखिए, ये एक ऐसी सीमेंट कंपनी है जो 8 मिलियन टन्स की कैपेसिटी है, 11 मिलियन टन्स की कैपेसिटी अगले 1.5 साल में होने वाली है, और ये स्टेट में काम करते हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना। बहुत ही अच्छे नंबर्स Q4 के लिए आए, और अभी जैसे सभी को पता होगा कि अप्रैल में करीबन 30-40 रुपया सीमेंट के बैग प्राइसेस बढ़े हैं, तो इसका भी पॉजिटिव असर कंपनी को मिलेगा, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो स्पेंडिंग हो रही है इसका भी पॉजिटिव डेवलपमेंट होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर नजरिया 12-15 महीना है तो यहाँ पे होल्ड करें, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल सकता है, तो यहाँ पे निवेशित रहिए। बिल्कुल, तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। अविनाश सर, जैसा आपने कहा कि काफ़ी संभावनाएं स्टॉक्स में, ये लेवल्स पर कोई अभी निवेशित होना चाहता है तो उसे क्या सलाह होगी? नहीं बिल्कुल प्रशांत, इवन इस लेवल पे अगर कोई एंटर करता है तो अच्छी खासी कमाई होगी मेरे ख्याल से। देखिए, अगर 12-15 मंथ्स का नजरिया लेता है तो FY24 के लिए मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी एक 50-60 रुपया इस लेवल से आपको अपसाइड मिलेगा। तो ये इन्वेस्टमेंट वर्थी स्टॉक है, ज्यादा टेक्निकल या इसमें कोई ट्रेडिंग मूवमेंट ज्यादा आती नहीं है, बट डिलीवरी के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए काफी बेहतरीन विकल्प है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक इन्वेस्टमेंट का विकल्प भी मिल गया और हमारे दर्शकों के सवाल का जवाब भी मिला। चलिए बढ़ते हैं आगे। अंशिका है आसनसोल से और इनका सवाल है, आदित्य बिरला फैशन के 60 शेयर इनके पास हैं, 246 के भाव पे इन्होंने लिया है, होल्ड करें या फिर सेल करें बताएं किरण जी, क्या करना चाहिए? आदित्य बिरला फैशन की अगर हम बात करें तो इसमें बीच में कॉर्पोरेट एक्शन का न्यूज आया था, उसकी वजह से काउंटर एक अच्छे खासे नीचे के लेवल को रिटेस्ट करके आया है 185 तक के, और ओवरऑल अगर आप देखो तो एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था। कहीं ना कहीं रिसेंटली एक कंसोलिडेशन पैटर्न आया है जहां से 200 के ऊपर उसने ब्रेकआउट दिया स्टॉक, लेकिन फिर भी सस्टेन नहीं कर पाया, लेकिन कहीं ना कहीं 200 के लेवल को होल्ड करके रखा है। लोअर टाइम फ्रेम में कहीं ना कहीं पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी है, और एक जो रिसेंट बॉटम बना है वो एक बुलिश एंगलफिन कैंडल स्टिक पैटर्न के साथ बना हुआ है। तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए, 194 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, अगर 194 होल्ड रहता है तो देयर आर चांसेस कि आपको 230 240 जो उनकी बाइंग प्राइस के नजदीक नजदीक है वो लेवल देख सकते हैं, वहां जैसे ही प्राइस आता है आप देख के स्टॉप लॉस रिवाइज कर लीजिए। तो एज ऑफ नाउ 194 का स्टॉप लॉस होल्ड। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहां पर आपको खास सलाह मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे। दिनेश है मुंबई से और इनका सवाल है, RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड के इनके पास 800 शेयर हैं, 134 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है, होल्ड करें या फिर सेल करें? अविनाश जी क्या होगी इनको सलाह? देखिए, RVNL में मुझे लग रहा है कि लंबी अवधि के लिए अभी भी ग्रोथ पोटेंशियल काफी स्ट्रांग है, क्योंकि काफी स्ट्रांग ऑर्डर बुक है, L1 के भी बड़े ऑर्डर्स पाइपलाइन में है, लेकिन ये स्टॉक करीबन 20 रुपए से करीबन 130 140 रुपए तक वन साइडेड रैली में भागा था, तो अभी थोड़ा सा मुनाफा वसूली हो रहा है। अगर इनका नजरिया कम से कम 12-18 महीने का है तो मैं क्या समझता हूँ कि रेलवे इंफ्रा थीम में अभी भी काफी स्ट्रांग एपिटाइट है, काफी इन्वेस्टर्स ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे जैसे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट्स होंगे तो वो RVNL जैसे कंपनीज को बेनिफिट करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा लंबा अवधि के लिए होल्ड करिए, थोड़ा सा स्टॉक कंसोलिडेट जरूर होगा, लेकिन अगर आपका टाइम फ्रेम लंबा है तो यहाँ पे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर होल्ड करने की आपको सलाह। बढ़ते हैं आगे। चरणजीत हैं दिल्ली से और इनका सवाल है, गोदरेज प्रॉपर्टी के 60 शेयर इनके पास हैं, 1610 के भाव पे इन्होंने लिया है, 1610 इस भाव पे इन्होंने लिया हुआ है, पूछ रहे हैं कि आगे क्या करना चाहिए, होल्ड करें या फिर सेल करें? किरण जी बताएं। तो ओवरऑल रियल एस्टेट में जिस तरह से अपमूव आया है मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए, 1400 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस उनको मेंटेन करना है, जब तक ये 1400 के ऊपर है तब तक देयर आर वेरी गुड चांसेस के वापस ये स्टॉक ऊपर में 1700 तक जा सकता है। तो थोड़ा लंबा समय उनको देना पड़ेगा स्टॉक के साथ, ऑलरेडी वो इन्वेस्टेड लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही लग रहे हैं, तो मेरे हिसाब से 1400 का स्टॉप लॉस और होल्ड रखिए, ऊपर में 1700 तक की रैली आने वाले 3 से 6 महीने में देख सकते हैं। बिल्कुल, तो होल्ड करने की सलाह। और बात जब रियल एस्टेट की हो रही है तो मैं अपने दोनों ही खास एक्सपर्ट से इस पर राय भी लेना चाहूँगा। किरण जी आप सबसे पहले बताएं,
ये जो रियल एस्टेट सेक्टर है जिसमें हमने देखा कि पोस्ट कोविड एक तरह का एक कि एक एक स्लो ग्रोथ नज़र आ रही थी, बहुत समय तक तो बहुत नेगेटिव भी था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एक ग्रोथ नज़र आ रही है। किस तरह से देखते हैं, क्या निवेश के इस सेक्टर में मौके बनते हुए नज़र आते हैं? ऑलरेडी काउंटर काफी चल गए हैं। अगर आप सेक्टर की बात करोगे निफ्टी रियलिटी का, अगर आप चार्ट देखोगे तो काफी एक बड़े मुंह आ चुके हैं ऑलरेडी। अब इसमें जायंट कंपनी जो है वो डीएलएफ का चार्ट अगर देखोगे तो स्लोली एंड ग्रेजुअली किसी को पता भी नहीं चला और स्टॉक 500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जो एक पिवट लेवल था उसका 420-422 वो क्रॉस करने के बाद स्टॉक 490 के आसपास ट्रेड कर रहा है। फिर भी इसके आप वीकली या तो मंथली चार्ट देखोगे तो एक बड़े ब्रेकआउट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो डीएलएफ ने डेफिनेटली हमारी पोजीशन जो है, या तो हमने हमारे क्लाइंट को ऑलरेडी रिकमेंड किया है तो ये हमारे डिस्क्लोजर है। डीएलएफ के ऊपर आप ध्यान रख सकते हो, कोई भी डिप आता है जब तक ये अब 420-430 का लेवल नहीं टूटता है तब तक हर डिप डीएलएफ में हम भाई करके जा सकते हैं। और जिस तरह की पोजिशनिंग है डेफिनेटली डीएलएफ में एक बड़े टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ फिनिक्स मिल हमारा एक प्रीफर्ड काउंटर है, ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे भी हमने देखा है कि 1300 के आसपास एक ब्रेकआउट आया, वहां से स्टॉक आज 1590 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो फिनिक्स में भी कोई भी डिप आता है तो डेफिनेटली हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। ओवरऑल स्टॉप लॉस जो रखना है वो 1450 का रखना है और ऊपर में ये भी 1800 से 1900 तक के लेवल दिखा सकते हैं। तो अगर किसी का लंबा नजरिया हो तो ही रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, क्योंकि ऑलरेडी एक अपमूव आ चुका है। देयर आर चांसेस कि हम एक साइडवेज टाइम करेक्शन में जाए, लेकिन इस टाइम करेक्शन में आप फिनिक्स और डीएलएफ दोनों अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और यही सवाल मेरा अविनाश सर आपसे भी होगा, क्या आपको कहां कहां संभावनाएं नजर आ रही हैं? वैसे कि मेरे को कलीग ने कहा कि रियल एस्टेट में तेजी बरकरार रहेगी, मुझे भी लग रहा है कि देखिए रियल एस्टेट में अभी जो इन्वेंट्री सेल्स हो गई है डिस्पाइट इंटरेस्ट रेट्स थोड़े बढ़ने के बावजूद कोई भी डिमांड में कटौती नहीं आ गई है और अक्रॉस पैन इंडिया बहुत अच्छी तरह से डिमांड चल रही है। और हमारे हिसाब से बड़े जो कंपनीज है जैसे कि गोदरेज प्रॉपर्टीज है, ओबेरॉय रियल्टी है, मैं समझता हूँ कि ऐसे कंपनी डेफिनेटली ग्रोथ मोमेंटम होगा क्योंकि रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। बट छोटे प्लेयर्स जैसे कि ब्रिगेड एंटरप्राइजेज जो बैंगलोर मार्केट में काफी बड़ा प्लेयर है, उसके बाद अनंतराज जो गुड़गांव मार्केट में काफी बड़ा काम कर रहा है, यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि अच्छी तेजी आ रही है। तो नॉट ओनली द बिग प्लेयर्स प्रशांत, बट छोटे मीडियम साइज प्लेयर्स भी इस करंट एनवायरमेंट में बहुत अच्छा कर रहे हैं और आने वाला कम से कम 12-18 महीने का जो पीरियड रहेगा वो बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। तो इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा जब भी ये मार्केट में थोड़ी बहुत करेक्शन आती है तो अपने पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स एक्यूमुलेट करके कम से कम 12-18 महीने का व्यू रखते हैं तो अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्डिंग को मिल सकता है। ठीक है, तो ये चर्चाएं बीच बीच में हम इसलिए करते हैं क्योंकि ताकि क्लैरिटी जो है वो हमारे इन्वेस्टर को मिले। और सवालों की ओर एक बार फिर से लौटते हैं। सुभाष हैं गुड़गांव से और इनका सवाल है, अमर राजा बैटरी के 600 शेयर इनके पास हैं, 150 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है, क्या करना चाहिए? किरण बताएं क्या आपकी सलाह होगी? अमर राजा बैटरी की अगर हम बात करें तो जिस तरह से ऑटो के सेक्टर में एक रैली आई थी, सेक्टर था ये स्टॉक था, लेकिन कहीं ना कहीं 550-560 के आसपास एक जो ब्रेकआउट आया उसके बाद कंटिन्यूअसली हाइट ऑफ हायर बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इनको पोजीशन होल्ड रखनी चाहिए 600 का एक स्टॉप लॉस लेके। अगर 600 ये स्टॉक ब्रेक नहीं करता है तो चांसेस है हम वापस इसमें 670 से 700 तक की रैली देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली उनको अमर राजा होल्ड करना चाहिए 600 के स्टॉप लॉस के साथ। बिल्कुल। और बढ़ते हैं आगे, प्रतीक हैं पटना से और इनका सवाल है, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग के 500 शेयर इनके पास हैं, 40 रुपए के लगभग भाव पे इन्होंने लिया है, क्या करना चाहिए पूछ रहे हैं। अविनाश जी बताएं। इनफैक्ट मैं समझता हूं कि प्रशांत ये इंडिया का सबसे बड़ा ERW पाइप मैन्युफैक्चरर है और इनकी इंटीग्रेटेड फैसिलिटी है। इनफैक्ट हाल ही में जब कंपनी का कॉन्फ्रेंस कॉल हो गया था Q4 का, तभी मैनेजमेंट ने बहुत पॉजिटिविटी जताई थी, कर्जा भी कम करने वाले हैं और सबसे बड़ी बात जो पानी के जो प्रोजेक्ट्स है, इरीगेशन के जो प्रोजेक्ट्स है, वहाँ पे इन पाइप्स का बहुत अच्छा उपयोग होता है। इनको डक्टाइल ERW पाइप्स कहा जाता है, तो इसमें इनकी मार्केट लीडरशिप है। तो मैं समझता हूँ बहुत ही बेहतरीन लेवल पर ये स्टॉक खरीदा है। नजरिया अगर आपका कम से कम 1.5 साल का है तो यहाँ से बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिलेगा, तो होल्ड करने की राय। बिल्कुल, तो अच्छे लेवल पे आपने लिया हुआ है और यहाँ पर बने रहने की ही आपको सलाह, आगे अच्छे रिस्क रिवॉर्ड मिल सकते हैं। कृष्णकांत हैं आजमगढ़ यूपी से और इनका सवाल है, जुबिलेंट फूड के 67 शेयर इनके पास हैं, 485 के लेवल पर इन्होंने लिया है, 485, क्या करना चाहिए? किरण जी बताएं। जुबिलेंट फूड की अगर हम बात करें तो एक मेजर जो इसका फॉलिंग चैनल था वहां से ब्रेकआउट देके कैंडिडेट काम कर रहा है। कहीं ना कहीं 470 के आसपास का इसका फ्रेश ब्रेकआउट हमने रिसेंटली देखा है, उसके बाद काउंटर ऊपर में 495 तक गया।
अभी भी लग रहा है कि ये काउंटर ऊपर जा सकता है, मोमेंटम इंडिकेटर न्यूट्रल जोन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से उनको 470 के नीचे का कोई भी एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। जब तक 470 का लेवल होल्ड है तब तक ये डेफिनेटली जुबिलेंट फूड होल्ड रख सकते हैं। ऊपर में इमीडिएट लेवल के ऊपर हम 520 का लेवल देख रहे हैं और 520 के बाद इसमें एक अच्छी सी रैली 600 तक की भी आ सकती है। सो एक अंडर परफॉर्म काउंटर है, टेक्निकली लग रहा है कि एक इंटरमीडिएट बॉटम बना हुआ है, तो 470 के स्टॉप लॉस से डेफिनेटली उनको होल्ड रखना चाहिए। बिल्कुल, तो यहाँ होल्ड करने की आपको सलाह। बढ़ते हैं आगे, जितेंद्र सिंह हैं आगरा से और इनका सवाल है, ओरिएंट पेपर के 500 शेयर इनके पास हैं, 43 के लेवल पर लिया है, अगले 6 महीने के लिए नजरिया चाहते हैं। अवनाश जी बताएं क्या होगी इनको सलाह? नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ पे एक ओरिएंट पेपर में पोजीशन होल्ड करिए। देखिए, ओरिएंट पेपर कंट्री का सबसे बड़ा टिश्यू पेपर मैन्युफैक्चरिंग वाला कंपनी है, प्लस राइटिंग और प्रिंटिंग पेपर बनाते हैं। और हाल ही में हमने देखा है कि जो चौथी तिमाही पेपर सेक्टर के आई है, ऑलमोस्ट सारी कंपनीज में बहुत ही दमदार नंबर डिक्लेयर किए हैं, क्योंकि देखिए प्राइसेस काफी बड़े हैं, रॉ मटेरियल के खर्चे कम हो चुके हैं और ओवरऑल देखिए पेपर सेक्टर इकोनॉमी ड्रिवन होता है। जब भी इकोनॉमी में ग्रोथ आता है तभी ज्यादातर इसकी कंजम्पशन बढ़ती है, तो मेरे ख्याल से आने वाला साल भी इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से अगर ये 12-15 महीने का टाइम फ्रेम इन्वेस्टेड रहते हैं तो कम से कम 55-60 का एक टारगेट प्राइस पॉसिबली इनको मिल सकता है, तो यहाँ पे निवेशित रहिए, यही रहेगी। निवेशित रहने की सलाह आपको। हिमंता है पश्चिम बंगाल से, सवाल है प्राज इंडस्ट्रीज के 140 शेयर इनके पास हैं, 376 यानी 376 के लेवल पर लिया है इन्होंने, आगे क्या करना चाहिए पूछ रहे हैं। किरण जी बताएं, इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, जिस तरह से ऑटो के साथ इसका, सॉरी शुगर सेक्टर के साथ इसका डायरेक्ट कोरिलेशन है, कहीं ना कहीं शुगर में हमने रिसेंटली एक रैली देखी थी, इसकी वजह से प्राज इंडस्ट्री में भी हमने देखा कि 370 के आसपास एक ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद कैंडिडेट ऊपर में 400 तक गया, वहां से वापस एक प्राइस करेक्शन दे रहा है। तो मेरे हिसाब से प्राज इंडस्ट्री जब तक 370 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक डेफिनेटली उनको होल्ड रखना चाहिए। अगर 370 होल्ड रहता है तो ऊपर में 400 से 420 के लेवल के आसपास प्राज इंडस्ट्री जा सकता है। तो एज ऑफ नाउ 370 के स्टॉप लॉस के साथ प्राज इंडस्ट्री डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए। कुल अगले दर्शक हमारे गोविंद गर्ग हैं और इनका सवाल है, गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर्स के इन्होंने 200 शेयर लिए हैं, जीएनएफसी के इनके पास 200 शेयर हैं, 580 के लेवल पर इन्होंने लिया है, होल्ड करें या फिर सेल करें? अविनाश जी बताएं। यहाँ पे गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन पोजीशन होल्ड करिए। देखिए, ये एक ऐसी कंपनी है जो ज्यादातर बोथ केमिकल्स एज वेल एज फर्टिलाइजर्स के लिए जानी जाती है, और इसका जो मेन प्रोडक्ट है केमिकल में उसको TDI बोलते हैं, जो काफी एप्लीकेशंस में, पॉलीमर में, फर्नीचर में, कार के सीट्स में, तो काफी जगह पे इसकी एप्लीकेशन होती है। तो मुझे लग रहा है कि अभी ग्लोबली जो TDI की प्राइसेस है वो काफी एलिवेटेड है, तो इसका फायदा इनको भी मिलेगा। और ये मोनोपोली बिजनेस है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट पूरी तरह से इंडिया में यही मैन्युफैक्चर करते हैं, तो इसका बेनिफिट इनको मिलना चाहिए। प्लस ओवरऑल फर्टिलाइजर का डिमांड, अगर बारिश अच्छी होती है तो यहाँ पे भी उनको मदद मिलेगी, तो यहाँ पे कोई बिकवाली की सवाल नहीं है। अगर आपका नजरिया साल डेढ़ साल है तो यहाँ पे निवेशित रहिए, मुझे लग रहा है और भी अच्छी रीरेटिंग स्टॉक में पॉसिबल है, तो यहाँ पे होल्ड करें। तो निवेशित रहने की सलाह आपको मिलती हुई। प्रशांत हैं हमारे अगले दर्शक का पटियाला से और इनका सवाल है, HDFC के 200 शेयर इनके पास हैं, 1645 यानी 1645 के लेवल पर लिया है इन्होंने। किरण जी बताएं क्या करना चाहिए इन्हें? बात करो तो जिस तरह से हमने ओपनिंग कमेंट्री में भी बोला कि जो प्राइवेट बैंक है वहाँ पे हमें मिक्स रुझान देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं HDFC बैंक की मैं बात करूँ तो 1600 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके आसपास ये स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। और कहीं ना कहीं डेली चार्ट के ऊपर भी आप देखोगे तो 20-50 दिन मूविंग एवरेज का सपोर्ट जो है वो 1580-1590 के आसपास है, तो मेरे हिसाब से होल्ड रखना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल हमें एक्सपेक्टेड है कि मार्केट ऊपर के लेवल हमें दिखा सकता है। तो एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से 1570 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, इमीडिएट लेवल में 1550, और जैसे ही 1550 क्रॉस होता है there are chances कि हम 1680 तक की लेवल वापस HDFC बैंक में देख सकते हैं। So 1570 का स्टॉप लॉस, 1650 का पहला टारगेट, 1680 नेक्स्ट टारगेट। बिल्कुल, तो यहां पर जो है वो आपको खास सलाह मिलती हुई। और चलिए यहां पर अब हम अपने सवालों का जो सिलसिला है वो रोकेंगे और अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कमाई का जो VIP सेगमेंट है वो आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। चलिए सबसे पहले अविनाश जी बताएं आज आपके पिटारे में क्या है खास?
इनफैक्ट प्रशांत, मेरे पास दो स्टॉक्स है। पहला स्टॉक है महाराष्ट्र सीमलेस। ये बेसिकली एक लीडिंग पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। आज सुबह ही कंपनी ने अनाउंस किया है कि कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त हो गई है। करीबन लास्ट 274 करोड़ उन्होंने अपने कैश फ्लो से रिपे किया है। लेकिन इस कंपनी की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले साल 5,700 करोड़ पे करीबन 1,020 करोड़ का कामकाजी मुनाफा और कम से कम 768 करोड़ का प्रॉफिट किया है। इस कंपनी ने करीबन 57 रुपये की अर्निंग की है और जिस प्रकार का मोमेंटम एंड यूजर सेगमेंट्स में है, हमको लग रहा है कि बहुत ही बेहतरीन नंबर्स आपको आने वाले साल में देखने को मिलेंगे। तो 600 रुपए का टारगेट प्राइस लेके इसको जरूर खरीदना चाहिए। और दूसरा शेयर जो मैंने अभी आपको पहले एक शो पे कहा था, ओरिएंट सीमेंट। हमारी राय में ओरिएंट सीमेंट बहुत ही सस्ता और प्रॉमिसिंग स्टॉक है सीमेंट स्पेस में। 8 मिलियन टन की कैपेसिटी 11 मिलियन टन होने वाली है, प्लस नतीजों का जो सीमेंट कंपनीज के जो नतीजे इस साल आएंगे बहुत बेहतरीन रहेंगे क्योंकि बहुत वॉल्यूम ग्रोथ एज वेल एज प्राइसिंग में इंप्रूवमेंट होगी। तो 175-180 का टारगेट प्राइस के लिए यहां पे भी एक्युमुलेट करें। तो ये दो स्टॉक्स मेरी तरफ से। बिल्कुल, तो इन दो स्टॉक्स पर आप नजर रखिए। और अब किरण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आप बताएं आपकी चॉइसेस क्या है। हमारे दो स्टॉक है, दोनों बाई तरफ है। पहला है सेडिन क्रेडिट, एनबीएफसी स्टॉक से। ये है एक अच्छी खासी रैली के बाद स्टॉक में पॉज देखा हमने 3-4 दिन के बाद, 3-4 दिन से। अब आज हमने वहां पे एक फॉलो अप बाइंग देखा है, कहीं ना कहीं 170 के आसपास उसका ब्रेकआउट लेवल था, उसको सक्सेसफुली रिटेस्ट किया है और आज एक फॉलो अप बाइंग भी आई है। कहीं ना कहीं मोमेंटम इंडिकेटर पे भी क्लियर कट एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो सेटिन क्रेडिट 175 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 189 के हमारे टारगेट है एंड 169 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे सेटिन क्रेडिट के अंदर। नेक्स्ट जो कॉल है वो प्राइवेट बैंक से अंदर है, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की अगर हम बात करें तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो 960 के आसपास का रेजिस्टेंस था उसको क्रॉस करने के बाद स्टॉक वहां पे कंसोलिडेट हो रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर भी क्लियर कट बुलिश जोन के अंदर है। तो देयर आर चांसेस के यहां पे हम एक अच्छा सा मूव देख सकते हैं। तो एक्सिस बैंक 975 के आसपास है, हम लॉन्ग करके जाएंगे, 995 हमारा टारगेट रहेगा एंड 964 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे एक्सिस बैंक के अंदर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अपने दोनों ही खास एक्सपर्ट का इस एडवाइस के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। फिलहाल कल की तैयारी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।